अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है लड़कियों? ठीक ठाक हो जी? अगर इस चैप्टर का खुलासा आ गया तो कोई बात नहीं, एंड पे हम खुलासा लिखेंगे ना, ठीक है? जो हमारा एंड होगा, चैप्टर का एंड जो है, खुलासा तो हमेशा चैप्टर के एंड पे ही हो सकता है ना, कि जब हम चैप्टर के एंड पे होंगे और चैप्टर का एंड जो है वो हम करेंगे, उसको समअप करेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें जो है वो हमने खुलासे में तहरीर करनी है। अच्छा जी, अब जो है खुलास पढ़ना है हमने चैप्टर। जी, चैप्टर जो है वो हमारा है शोहरत आम बकाए दवाम। तारुफ हमारा हो गया था और हमने इस के कितने पेज पढ़ लिए थे? दो। और दूसरे जो 36 पेज का पहला पैराग्राफ हम पढ़ चुके थे, सबने अपनी अपनी राह पकड़ ली, ऐसे ही मुसाफिर जल्द जल्द आगे बढ़े, यहां से हमने पढ़ना है। ठीक है, ये वैसे तो सारा दिन ही हमारे जो घर आजकल, क्योंकि दोनों दो तरफ पीछे भी और साथ वाले घर में भी ना रेनोवेशन चल रही है, तो वैसे तो सारा दिन ही, और सुबह सुबह भी नींद खराब करते, सुबह सुबह ड्रिल मशीनरी चलाई होती है, लेकिन खसूसन ये टाइम है या इस वाले टाइम पे मुकम्मल खामोश हो जाती है ना कमरे में, खामोशी, फैन वैन भी ऑफ कर देते हैं एसी चला के, तो वो ये जो थोड़े हैं ना वो ज्यादा बरस रहे होते हैं सर के ऊपर। चल, आई होप आपको इतनी आवाज ना आ रही हो, तो ये मतलब यहाँ फिर भी कंपैरेटिवली कम आवाज है पूरे घर की निस्बत, सारा पता नहीं इन्होंने दोनों अतराफ में जो है ना वो सारा काम चल रहा है। अच्छा जी, हमने पढ़ लिया था, उसमें हमने देखा ये था अभी तक के जो राइटर है मोहम्मद हुसैन आजाद, उसने एक ऐसा दरबार लगाना चाहा है, अभी वो तैयारी कर रहा है, कहता है कि मैं एक जगह पे पहुंचा हूँ, मैदान में वसी मैदान था, और इतना वसी मैदान था कि उस मैदान में बहुत सारे लोग थे, कहता जिनका शुमार नहीं किया जा सकता, और इतने बेशुमार लोगों में जो है वो ये इतने बेशुमार लोगों के अंदर जो है वो कहता है कुछ लोग इस तरह से, वो ये कहता है एक पहाड़ी के ऊपर से नदा आ रही थी, कुछ लोग जो है वो ऐशो इशरत में, वो जैसे वो बता रहा था कि औरतें थीं और उनके उसमें फंसे हुए, वो गौर ही नहीं कर रहे थे, और कुछ लोग जो है वो अपना सबाब उठ गई थी कि सबने एक एक करके अपनी राह जो है वो पकड़ ली। ठीक है जी, कहता है, एक मिनट बच्चों, जरा एक मिनट जरा, आपने दो तीन जगह लगाए। क्या है? जी, कहते हैं मुसाफिर जल्द जल्द आगे बढ़े। अब वो जो पहाड़ की चोटी की तरफ से जो आवाज आ रही थी और पहाड़ की चोटी की तरफ वो जा रहे थे, तो कहते हैं उन लोगों ने, जिन मुसाफिरों ने अपना अपना असबाब जो था, सामान जो था वो पकड़ा हुआ था, वो सब लोग जो हैं वो जल्द जल्द आगे बढ़े और एक सपाटे में फौरन ही जल्दी जो है पहाड़ की चोटी पर जा पहुंचे, कि वो लोग बहुत ही तेज चलते हुए बहुत ही जल्दी जो है वो पहाड़ की चोटी के ऊपर जो है वो जा पहुंचे थे। इस मैदान रू अफजा में पहुंचते ही
ठीक है। रूह अफ़ज़ा जो है वो होता है रूह को अफ़ज़ा, किसी चीज़ को ज़्यादा करना। रूह अफ़ज़ा जो रूह को तरोताज़ा कर दे, ठीक है। हम रूह अफ़ज़ा शरबत नहीं पीते, उसके बारे में भी यही कहा जाता है, ये फरहत बख्श है। तो बहरहाल वो कहता है कि रूह इस मैदाने रूह अफ़ज़ा में पहुंचते ही ऐसी जान बख्श और रूहानी हवा चलने लगी कि वो मैदान पहले ही बहुत रूह अफ़ज़ा था, बहुत ज़्यादा। जी कहता है कि ऐसे मैदानी रूह अफ़ज़ा में पहुंचते ही ऐसी जान बख्श और रूहानी हवा चलने लगी। जान बख्श जो बहुत ज्यादा जान को सुकून देने वाली थी, रूहानी हम अपने मजहब को जो है वो रूहानियत के साथ जोड़ते हैं, अपनी इनर सेल्फ के साथ, के मजहब जो है वो हमें रूहानी तौर पर जो है वो सेटिस्फाइड करता है, रूहानी तौर पर हमारी तस्कीन करता है। तो या इससे देखें आहिस्ता आहिस्ता वो मजहब की तरफ जा रहा है, जिससे रूह और जिंदगानी को कुव्वते दवामी हासिल हुई। जिससे रूह और जिंदगानी को, ये जो जिंदगी थी, कुव्वते दवामी, दवाम दवाम से, ये लफ्ज जो है ना ये दवाम से है, ये बिल्कुल ये वाला लफ्ज जो है ये, ठीक है। दवाम मतलब हमेशा रहने वाला। तो कहता है कि जिंदगानी को कुव्वते दवामी हासिल हुई कि ये जो जिंदगी थी, अब कौन सी जगह ऐसी है जिसके बारे में हमारा अकीदा ये है कि यहाँ पर दवामी जिंदगी है, हमेशा रहने वाली जिंदगी है, बताएं। कौन सी ऐसी? हाँ जी बिल्कुल, कियामत के बाद की जिंदगी, जहाँ पर इंसान जो है वो, उसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर वो जो है वो हमेशा, वहाँ मौत नहीं है। ये जो हमारी दुनियावी जिंदगी है, यहाँ पर मौत है, और उस आखरत की जिंदगी में मौत नहीं है। तो अब यहाँ से देख लें कि वो ऐसे मैदान का तذکرہ कर रहा है। अब वो जो पहले मैदान नीचे लगा पड़ा है, वहां पर क्या होगा? सब लोग हैं, जन्नम जाने वाले भी, जन्नत जाने सब लोग। अब वहां से लोग पहाड़ की तरफ, वो लोग आए हैं, मतलब जो शायर, जो राइटर का इंडिकेशन है वो क्या है कि पहाड़ की तरफ वो लोग आए हैं जिनके अमाल अच्छे हैं, क्योंकि यहाँ पर आते ही पहाड़ के ऊपर जो है वो बहुत ज्यादा एक राहत फजा मकाम है और बड़ी रूहानियत की हवा चल रही है। तमाम मैदान जो नजर के गिर्दो पेश दिखाई देता था, कहते ये तमाम मैदान जो था, जो नजर के गिर्द, यानी कि जो मेरी नजर इर्द गिर्द में, गिर्दो पेश में, जो मेरे इर्द गिर्द में जो चीज जो है वो मैदान जो नजर दिखाई देता था, इसका रंग कभी नूरे सहर था। नूरे सहर नूर कहते हैं ना ऐसी रोशनी को, मतलब सूरज की जैसे रोशनी को आप अंदाजा करें। सूरज की रोशनी जब सुबह के वक्त, सहरी के बाद से सुबह जब फूटती है, तो वो थोड़ी सी रेडिश रोशनी होती है, तेज नहीं होती ना, तो उसके लिए शफक का लफ्ज भी इस्तेमाल होता है, नूर का लफ्ज भी इस्तेमाल होता है। फिर वो रोशनी जब बढ़ती जाती है, बढ़ती है और वो उजाला हो जाता है, तेज रोशनी, जैसे दोपहर का वक्त है, और फिर शाम के वक्त जो है वो रोशनी जो है वो फिर शफक की तरफ मायल होती है, फिर उसमें थोड़ी सी पिलाहट भी और आखिर में रेडनेस भी आ जाती है। अब नूर और रात की जो चांद की रोशनी होती है, उसके लिए भी नूर का लफ्ज इस्तेमाल, तो नूर बमानी हल्की रोशनी। सुबह सादिक, हाँ बिल्कुल, सुबह के वक्त का जो है, सुबह का जो वक्त है, बिल्कुल सुबह का, जब सूरज अभी पूरा निकला नहीं होता, नमूदा नहीं होता, और वो जो शदीद गर्मी में भी वो टाइम जो है ना वो बड़ा राहत फजा होता है, कि अगर गर्मियों के भी शदीद दिन हो ना, तो अगर सुबह का वो जो वक्त है जब वो अभी पू फूट रही होती है, सूरज की किरणें, अभी सूरज नहीं सिर्फ किरणें नजर आ रही होती हैं, तो वो जो माहौल होता है, एटमोसफेयर, इसलिए तो कहते हैं सुबह खेजी के फायदे, सुबह में उठने के, डॉक्टर्स भी बताते हैं हर तरह के इलाज में सुबह खेजी के जो है वो बहुत सारे फायदे हैं। फिर सैर, सुबह की सैर के, सुबह के मील के, मतलब हर चीज जो सुबह से रिलेट करती है। तो कहते हैं इसका रंग कभी नूरे सहर था, नूरे सहर था, हल्का, हल्की रोशनी थी, तेज रोशनी नहीं थी आंखों में चुभने वाली।
और कभी शामो शफक। अब शाम के साथ उसने शफक का लफ्ज इस्तेमाल किया। शफक बुनियादी तौर पर उस लाली को कहते हैं, उस सुर्खी को कहते हैं जब सूरज गरूब हो रहा होता है, और अब कभी उसको सूरज को गरूब होते देखें तो उस आसमान पे उस हिस्से में रेडनेस हो जाती है, वो आसमान थोड़ा थोड़ा सा रेड जो है वो हो जाता है, और उस लाली को शफक बोलते हैं। तो शामे शफक जिससे कौसे कजा के रंग, कौसे कजा रेनबो आपकी धनक रेनबो सब कौसे कजा के नाम है। कौसे कजा आपको पता है कि आसमान पर एक उभरता है रेनबो बारिश के बाद, और वो सात रंगों पर मुश्तमिल होता है, यूं एक जो है ना वो उसका बना होता है, ठीक है ना, तो वो इस तरह करके वो होता है, और ये उसके सात लेयर्स होती हैं, सात रंग जो हैं वो उसके अंदर होते हैं। तो कहता है क्योंकि शफक में खुद कोई एक, वैसे तो वो ऑरेंज भी है, रेड भी है, थोड़ा सा सुरमई भी है, तो उसमें खुद भी दो तीन कलर्स हैं। तो कहता है कौसे कजा के रंग में कभी शोहरते आम और कभी बकाए दवाम के हरूफ अयां थे, के रंग में कभी शोहरते आम के जिन लोगों को शोहरते आम हुई, और कभी बकाए दवाम, और कभी जो है ऐसे लोग जो जिनको हमेशा के लिए जिंदगी मिल गई, के हरूफ अयां थे, हरूफ अयां थे जाहिर थे। ठीक, ये नूरो सरूर का आलम दिल को इस तरह से तसल्ली और तशफी दे रहा था। कहते हैं ये नूरो सरूर का जो आलम था, सरूर एक लुत्फ का, एक मजे का जो आलम था, वो जिंदगी को वो इस तरह से तसल्ली और तशफी देना, तशफी देना भी क्या होता है कि थोड़ा दिलासा देना, थोड़ा ख्याल करना, ठीक है। तो कहता है वो इस तरह से तसल्ली और तशफी दे रहा था कि खुद ब खुद पिछली मेहनतों के गुबार दिल से धोए जा रहे थे, कि खुद ब खुद पिछली मेहनत जो इंसान ने सारी जिंदगी जो मेहनत की थी इस आखरत की जिंदगी को हासिल करने के लिए, उसके जो गुबार दिल के अंदर थे, यानी कि वो जो मेहनत थी, और वो बाज दफा ये भी होता है ना कि इंसान को ये लगता है कि बुरों को अल्लाह ज्यादा नवाजता है और अच्छों को नहीं नवाजता, और वो गुबार दिल में जो थे वो इस दुनिया में आकर उस बकाए दवाम की जिंदगी में आकर वो गुबार जो थे वो दिल से, गुबार धोना गम हल्का करना मुहावरतन भी बोला जाता है, तो वो गुबार जो है वो दिल से धोए जा रहे थे, कि वो सारी चीजें जो है वो दिल से, वो पुरानी मेहनत और मुशक्कत और वो सारी चीजें जो है वो दिल की भड़ास जो है वो दिल से निकल रही थी, खत्म हो रही थी। और इस मजमाए आम में अमनो अमान और दिली आराम फैलता था। और कहता है हालांकि बहुत बड़ा मजमा था, मजमाए आम था जिसमें बहुत सारे लोग थे, आम जिसमें आम अमाम थे, बहुत सारे लोग थे। कहते इसमें अमनो अमान, अमन था, सुकून था, और दिली आराम फैलता था, और ऐसे था इस मजमे में कि जैसे दिल को बहुत ज्यादा सुकून जो है वो मुयस्सर है, जिसका सुरूर लोगों के चेहरों से, कि कहता है इतना लुत्फ था लोगों को, इतना सुरूर था लोगों के अंदर कि लोगों के चेहरों से और फूलों की शादाबी होकर आया था, कि ऐसे लग रहा था जैसे फूल शादाब होते हैं ना, खिले होते हैं फूलों, फूल खूबसूरत लगते हैं, तो मतलब उनमें एक सरसब्जी भी होती है और जो रंग होता है वो बड़ा खुशनुमा होता है फूलों का, तो वो शादाब। तो कहता है कि उनका उनको ऐसे शादाबी किस तरह से नजर आ रही थी, अयां हो रही थी, कि लोगों के चेहरों से जो सुरूर छलक रहा था, सुरूर नजर आ रहा था, वही सुरूर जो है वो लोगों के चेहरों के ऊपर, क्योंकि जो दिल में सुरूर था, सुकून था, वही सुरूर और वही सुकून जो है वो उसके चेहरे पर अयां हो रहा था। नागहां एक ऐवाने आली शान दिखाई दिया, नागहां अचानक ही एक ऐवाने आली शान, एक बहुत बड़ा ईवान जो है, ऐवान मतलब दरबार, तो एक बहुत बड़ा दरबार आली शान जिसकी शान बहुत बुलंद थी, दिखाई दिया कि इसके चारों तरफ फाटक थे, कि इसके चार तरफ फाटक, एक दरबार ऐसा लगा हुआ था जिसके चारों तरफ बहुत बड़े बड़े फाटक थे, दरवाजे थे। इस पहाड़ की चोटी पर देखा कि फूलों के तख्ते में एक परी हूर शुमाइल चांदी की कुर्सी पर बैठी है। कहता है उसी पहाड़ जिसकी ये चोटी पर थे, उसको फिर कहता है मैंने ऊपर देखा तो उसकी चोटी पर देखा कि फूलों के तख्ते में, फूलों का एक बहुत बड़ा तख्ता होगा, मतलब तख्त ऐसा होगा जो फूलों ही से बना होगा, में एक परी हूर शुमाइल, हूर शुमाइल
जिसके चेहरा जो है वो हूरों जैसा हो, हूरों जैसी खूबसूरत हो, चांदी की कुर्सी पर बैठी है, यानी कि बहुत ज्यादा फूल खिले हैं वहां पर, और वहां पर जो है वो वहां पर एक बहुत ही खूबसूरत औरत जो है वो बैठी हुई है, और वही शहनाई बजा रही है, और जिस शहनाई की आवाज सुन के हम सब खिंचे चले आ रहे थे, वो शहनाई की आवाज जो है वो यही औरत जो है वो जो खूबसूरत औरत ऊपर बैठी हुई है वो यही बजा रही थी, जिसके मीठे मीठे सुरों ने, यानी कि जो शहनाई वो बजा रही थी उसके सुर बहुत मीठे थे। ये तो देखिए हर सुनने वाले का है ना कि बाज म्यूजिक ऐसा होता है जो कानों को बहुत भला लगता है, सुनने में बहुत अच्छा, दिल फरेब लगता है। तो वो कहते हैं मीठे सुरों ने उन मुश्ताकों के, उन मुश्ताकों के मुश्ताक की जमा। मुश्ताक मतलब इंतजार करने वाला, मुंतजर। हम हैं मुश्ताक और वो बेजार, या इलाही ये माजरा क्या है, गालिब का शेर। कहते हैं सुरों में उन मुश्ताकों के अंबों को यहाँ तक खींचा था कि उसके सुर को, के जो मुंतजर थे, जो उसके सुर के शौकीन थे, ठीक है, उसके सुर को शौक से सुनने वाले जो लोग थे, कि अंबों को, मजमा को, एक अंबो बहुत बड़े एक ग्रोह को यहाँ तक खींचा था कि वो शहनाई की आवाज इतनी खूबसूरत थी कि उसने बहुत सारे लोगों को अपनी तरफ खींच लिया था। परी इनकी तरफ देखकर मुस्कुराती थी, और वो जो परी उस तख्त पर बैठी हुई थी वो उनको देखकर मुस्कुरा रही थी, और सुरों से अब ऐसी सदा आती थी, और अब जो सुरों से सदा आ रही थी, आवाज आ रही थी, गोया आने वालों को आफरीन और शाबाश दे रही थी। यानी कि सुर के अंदर अब लय जो थी, सदा जो थी, आवाज जो थी वो इस तरह की थी कि उस आवाज को सुनने से लग रहा था कि आफरीन और शाबाश दे रही है, कि वो परी जो है वो आम लोगों को आफरीन और शाबाश देती है, और कहती है कि खैर मुकद्दम, खैर मुकद्दम, खैर मुकद्दम, यानी कि आप कहें एक तरह से वेलकम करना, खुश आमदीद, क्या आपको खुश आमदीद कहा जाता है, जैसे अब हम किसी को आने के लिए खुश आमदीद मरहबा कहते हैं, तो खैर मुकद्दम करना, ठीक है। सफा आवर दीद, खुश आमदीद, ठीक है, इसका भी यही मतलब है। तो कहते हैं ये फारसी के लफ्ज, खैर मुकद्दम का भी वही कि आपका मुकद्दम किया जा रहा है, आपको मतलब वेलकम किया जा रहा है, खुश आमदीद का भी वही, सफा आवर्दीद का भी ये मतलब कि आपकी जो है वो आवर्दीद, हमारी आंखें जो है वो आपके रास्ते पर लगी थी। तो तीनों का एक ही तरह का मतलब है कि इंतजार में जो था उनको, आप आने वालों को खुश आमदीद कहा जा रहा है, मरहबा कहा जा रहा है। इस आवाज से ये खुदाई लश्कर कई फिरकों में मुनकसिम हो गया, मुनकसिम हो गया, तकसीम हो गया, कि उस आवाज से ये जो खुदाई लश्कर था, ये जो खुदा की तरफ जाने वाला लश्कर था, ये कई फिरकों के अंदर जो है वो मुनकसिम हो गया, तकसीम हो गया। चुनाचे मुर्रखों का एक ग्रो, मुर्रख, मुर्रखों, मुर्रख की जमा, मुर्रख तारीख लिखने वाला, ठीक है, मुर्रखों का एक ग्रो एक दरवाजे पर इस्तादा हुआ खड़ा हो गया, इस्तादा हो गया, खड़ा हो गया, ठीक है, ताकि साहिबे मरातब, मुअर्रख, ज़ाहिर मुअर्रख जिन्होंने तारीखें लिखी हैं उनको पता है कि कौन, किस हिस्ट्री में कौन सा बंदा जो है वो ज्यादा काबिले इज्जत है और क्या है, तो इसलिए उसने मुअर्रखों को दरवाजे पर खड़ा किया ताकि वो आने वालों को ये जान सकें कि जो आने वाले लोग हैं उनके क्या क्या मरातब हैं, और उनको उनके मर्तबे और इज्जत के लिहाज से उस दरबार के अंदर, वो जो दरबार एक बहुत बड़ा लगा है उसके अंदर उनको नशिस्तों पर बिठा सकें, ताकि साहिबे मरातब अशखास, मरातब मरतबा वाले, जो साहिबे मरातब है जिनका बड़ा मरतबा है, अशखास शख्स की जमा है, को साहिबे मदारज, मदारज रुतबे, एवाने जलूस में दाखिल करे, कि वो जो मर्तबे वाला शख्स अंदर आए तो उसको उसके रुतबे के लिहाज से दरबार में, जो दरबार का जलूस है उसमें दाखिल करे, और उस दरबार में जो है वो बिठाए।
यकायक वो शहनाई जिससे कभी शौक अंगेज जोश खेज, यकायक वो शहनाई, वो शहनाई तो जो थी। जी, तो कहता है कि वो ये चाह रहा था कि जो ईमान है उसको उसी लिहाज से जो है वो मैं अंदर लेके जाऊं, जिस तरह से जो है वो। ठीक है, तो इसी तरह से मैं अंदर लेके जाऊं जिस तरह से जो है वो शहनाई, मतलब जिस तरह का रुतबा है। वो मौरख का ये ख्याल था कि जो शख्स अंदर दाखिल हो, अगर वो रुतबे वाला शख्स है तो वो जिस जिस तरह का उसका रुतबा है उसी लिहाज से उसको उसी तरह इज्जत दी जाए, और उसको उसी तरह से जो है वो ईमान में जाके आगे जो है वो बिठाया जाए। यकायक वो शहनाई जिससे कभी शौक अंगेज, कहते यकायक वो शहनाई, शहनाई खुशी की एक आवाज होती है ना, शहनाई वैसे कहते हैं जो खुशी के मौके पर बजाने वाले साज है ना, उनके लिए शहनाई का लफ्ज इस्तेमाल होता है। जिससे कभी शौक अंगेज, जो शौक को अंगेज करते हैं, बढ़ाते हैं और ज्यादा, जोश खेज, जो जोश को बढ़ाने वाली चीजें हैं, और कभी जंगी बाजों के सुर निकलते थे। जंगी बाजों के, जंगी बाजे आपको पता है वो बहुत बड़े बड़े से इसी इस तरह के वो होते थे, इस तरह के भोंपू से, और यहाँ पे वो जो है वो बंदा खड़ा होकर उसमें से वो जब उसमें अपनी सांस फेंकता था तो इतनी जोरदार आवाज होती थी। अमूमन उन्हें नकारा बोला जाता था कि इतनी उसकी लाउड आवाज होती थी, क्योंकि पुराने जमाने में जो जंगें होती थी उनमें आप ये देखें ना कि उनमें इस तरह से तो नहीं होती थी कि वो जो है वो व्हाट्सएप कर दें सबको कि जंग शुरू होने लगी है तो सब रेडी हो जाएं। तो उस जमाने में जो है वो कोई ना कोई तरीकेकार तो करना था ना कि किस तरह से जो है वो जंग की जाएगी। तो वो फिर जो है वो इस तरह से होता था कि वो एक एक साज होता था बहुत बड़ा सा, उसको जो है वो बजाते थे कि फौज, ज़ाहरे जो लाखों की फौज होगी वो कई ज्यादा जो है नफूस पे फैली होगी, तो वो वहां पर जो है वो हम वहां तक आवाज चली जाए। तो यहाँ पर वो कहता है कि जंगी बाजे से मुराद वो है। ठीक है, अब उससे जफर याबी, जफर जफर कामयाबी को कहते हैं, जफर याबी जो कामयाबी है, और मुबारकबादी की सदाएं आने लगी। और अब वो शहनाई जो थी उससे क्या हुआ कि अब मुबारकबादी की सदाएं भी आने लगी, कि जीत के बाद जो मुबारकबाद होती है उसकी सदा और आवाज जो है वो भी आने लगी। तमाम मकान गूंज उठा और दरवाजे खुद ब खुद खुल गए, कि वो जो बड़े बड़े फाटक थे वो खुद ब खुद तमाम दरवाजे जो हैं वो खुल गए। वहां से देखा कि एक तख्ते तिलिस्मात को 32 परियां उड़ाए लिए आती हैं। कहता है मैंने वहां पर क्या देखा, एक तख्ते तिलिस्मात है, जादू का तख्त है, उसको 32 परियां उड़ा के लिए आती हैं। कि 32 परियां जो थी वो उस, ये कहानियों का सा अंदाज है इसमें उस जमाने में, क्योंकि कहानियां बहुत ज्यादा कहानी का दास्तान का बहुत ज्यादा रिवाज होता था। दास्तान हम उसको कहते हैं, अलीगढ़ तहरीक से पहले दास्तान ही लिखी गई, तो ये क्योंकि अलीगढ़ के बिल्कुल पैरेलल मोहम्मद हुसैन आजाद का जमाना है ये, अगरचे अलीगढ़ तहरीक में शामिल नहीं हुए लेकिन वो अंग्रेजी के असरात, वो चीजें सारे वो तो इनके यहाँ भी हमें को मिलती हैं। तो उनसे पहले सिर्फ ये जो है दास्तान में जिन्नों परियों, दास्तानी अमीर हमजा, उम्रो अय्यार, इस टाइप की कहानियां आपने भी बचपन में पढ़ी होंगी।
हाँ जी बिल्कुल, आप जैसी लड़कियां, खूबसूरत खूबसूरत, नाजुक अंदाम, प्यारी प्यारी सी, प्यारी गुफ्तगू करने वाले, खुश हैं अब आप? अभी पार्टीज हो ना कॉलेज में, तो मैं, मेरा जहाँ से यहाँ ट्रांसफर हुआ ना, वहाँ को एजुकेशन है, तो जो गर्ल्स की पार्टी हम अलग कराते हैं और बॉयज़ की अलग कराते हैं, तो जहाँ गर्ल्स की पार्टी, हम बॉयज़ की पार्टी रूखी फीकी सी, लड़कों ने ज़्यादा से ज़्यादा के जीन्स और शर्ट पहनाएंगे, और उनके जो प्रोग्राम्स होते हैं ना, वो भी फीके फीके से होते होते थे, कि वो, ये नहीं कि मैं बॉयज को कुछ कह रही हूँ, मतलब वो भी मेरे तो बड़े ओबीडियंट और बड़े ही प्यारे बच्चे हैं सारे, लेकिन उनकी पार्टीज में वो हल्ला गुल्ला और शोशाबा नहीं होता था, लेकिन जिस दिन गर्ल्स की पार्टी होती थी, वो सुबह सुबह ही आ जाती थी, और कोई बाल स्ट्रेट कर रही है, कोई मेहंदी लगा रही है, और उनकी और उनके जो ड्रेसेस होते थे कलरफुल से, वो देखने का ही मजा आता होता था, और हम उनकी पार्टी को बहुत इंजॉय नहीं, ये तो इसमें कोई शक नहीं है, बच्चियां माशाल्लाह घरों की रौनक होती हैं, और जिस घर में रौनक ना हो उस घर में तो मजा ही नहीं आता, बच्चियों के साथ ही घर की रौनक होती है। लड़के तो सारे अपनी अपनी जगहों पे बैठ जाएंगे, और थोड़े उनके अपने फुटबॉल, अपने शौक, लड़कियों की छोटी छोटी कहानियां होती हैं और छोटी छोटी सी बातें मजे मजे की। अच्छा चलें कोई नहीं, हो जाएगी हो जाएगी, तो वो जो है, ये बात बिल्कुल ठीक है, बस कुछ मुल्की हालात की वजह से भी, कुछ ट्रिप्स तो इस वजह से भी बैन हो गए ना, और फिर ये कोरोना ने तो बहुत दहशत फैलाई ना, कोरोना की वजह से तो अभी भी देखें कि ये जिस तरह से कॉलेजेस खुलेंगे, वो क्या शक्ल होगी कॉलेजेस के खुलने की, और क्या सूरत हाल बनेगी, वो भी बहुत एक है। तो चलें अल्लाह बेहतर करेगा, अल्लाह सेहत, जिंदगी, तंदुरुस्ती दे, तो जिंदगी के साथ साथ ही सारी चीजें होती हैं। अच्छा हम ये पढ़ रहे थे कि वो कहता है, कह रहा था कि वो, अब देखो तुम लोगों की बातों में ना भूल गए पढ़ पढ़ कहता है कि अब उस जफर याबी और मुबारकबाद की सदाएं आने लगी, कि अब वो जो शहनाई बज रही थी, जिसमें कभी जंगी बाजों की आवाज थी और कभी कुछ था, और नहीं ऐसा नहीं है, बस वो हालात की वजह से भी कुछ फैसले करने पड़ते हैं ना, तो इस वजह से कोई इतना खास नहीं है, मतलब अब हालात अगर थोड़े से, ये कोरोना के, कोरोना में तो देखे ना कितने अरसे से तो बच्चे घर से ही नहीं निकले, बच्चे खुद भी बहुत ज्यादा जो है ना वो घरों में रह रहे के, अब तो पहले वो छुट्टियां मांगते होते थे, अब वो कहते हैं नहीं भी स्कूल खुले हमारे, तो खुद भी उस रूटीन से, और देखे ना इस तरह के पढ़ने से, अब देखे हमारे पास सिर्फ 30 की स्ट्रेंथ आ रही है 96 में से, तो मतलब ये भी थोड़ा सा है, लेकिन अगर हम लाइव हो रहे हो तो चलो वो ना भी सुने, लेकिन क्लास में तो बैठी होती है ना, तो बस इस तरह के पढ़ने के इंसान आते हैं अपनी जगह पर। अच्छा जी कहता है कि अब उस जफर याबी और मुबारकबाद की, कि वो शहनाई जो थी अब उसमें जफर याबी की, हाँ जी सुनने में तो यही आया कि सैटरडे ऑन कर देंगे, आगे पता नहीं, अब देखें अल्लाह मालिक है। तो कहते हैं अब उस जफर याबी और मुबारकबाद की, मुबारकबादी की सदाएं आने लगी, कहते कि अब उससे क्या था कि कामयाबी की और मुबारक, यानी कि जो लोग वहां आए अब उनको कामयाब होने की मुबारकबाद जो थी, उस शहनाई से वो आवाज आ रही थी, तमाम मकान गूंज उठा और दरवाजे खुद ब खुद खुल गए। देखा कि एक तख्ते तलिस्मात को 32 परियां उड़ाए लिए आती थी, तख्ते तलिस्मात को जादू का एक तख्त है, और उसको 32 परियां जो हैं वो उड़ाए लिए आती हैं, इस पर एक राजा बैठा है, मगर नहायत दरीना साल, मतलब बहुत बूढ़ा है, इसे फिरके फिरके के उलमा, फिरके फिरके के हर फिरके के, ठीक है, उल्मा और मौर्रख, मौर्रख तारीखदान लेने को निकले, मगर पंडित और महाजन, महाजन सौदागर, ये हिंदुओं की एक मखसूस जात है ना, जो जो है वो सौदागरी करती है, ताजर होते हैं ये लोग, लोग बहुत बेकरारी से दौड़े, मतलब बहुत बेचैनी के साथ उसकी तरफ दौड़े,
जी बेटा, सुनने में तो यही आ रहा है कि सेक्शन डिवाइड हो जाएंगे, और क्योंकि स्ट्रेंथ जो है क्लास में उतनी ही रखनी है जितनी के एज पर रूल्स, तो उसके हिसाब से अगर हमने इतने इतने फिट का फासला रख के बच्चे बिठाने हैं आगे पीछे इधर, तो वो फिर जाहिर है कि उनको उसी हिसाब से करना पड़ेगा ना, ठीक है ना। तो वो अभी तो सब अंडर प्रोसेस है, चल रहा है, इंशाल्लाह आपको बता देंगे जो भी सूरत हाल होगी, ठीक है। अब वो कहते हैं कि एक शख्स जो आया, जिस जो जो तख्त जो था, तख्ते तिलिस्मा जो था, जैसे लग रहा था वो जादू के तख्त पर बैठा हुआ है, और वो जो है वो आ रहा था, और फिरके के उलमा और मौरख जो है वो उसको लेने के लिए आ रहे थे। तो कहता लेकिन हिंदू पंडित और महाजन जो थे वो उसको लिए दौड़े। अल्लाह, मैं एक लाइन पढ़ती हूँ फिर आप सवाल पूछ लेती। भाई कोर्स हाफ हो जाएगा भी शायद, ठीक है, लेकिन इसके अभी कुछ भी पता नहीं है, क्योंकि अगर आपका सेशन थोड़ा सा लंबा हो गया तो कोर्स हो सकता है हाफ ना हो, 80% हो, अभी उसके बारे में कुछ पता नहीं है, ठीक है। और फिर जाहिर है जिस बारे में अभी कुछ अंदाजा ही नहीं है उस बारे में मैं कोई बता दूं आपको, आप कहें मिस ने तो फलां वक्त में ये कहा था, ठीक है ना। तो अभी तो मुझे खुद, अभी तो हमें बहुत सारी चीजें टीचर्स को भी तो नहीं ना क्लियर है। देखें पहली दफा ये कोरोना वाली सूरत हाल हुई, पहली दफा कॉलेजेस इस तरह से बंद हुए, पहली दफा ये सारा कुछ हुआ, तो उसके बाद अब पहली दफा जब क्लासेस दोबारा से रिज्यूम होंगी तो फिर बहुत सारी चीजें जो है वो बाद में पता चलेंगी ना। अच्छा जी, वो कहता है कि वो जो तख्त आया था उसको लेने के लिए पंडित और महाजन सौदागर लोग जो थे वो बहुत बेकरारी से दौड़े, कि बहुत बेचैनी के साथ जो है वो आगे को दौड़े। मालूम हुआ कि राजा तो महाराजा विक्रमाजीत है और तख्त संगासन 32 है, ठीक है। अब जी राजा विक्रमाजीत, इसको जरा लिख लें आप, मैं लिखवा देती हूँ आपको, महाराजा विक्रमाजीत, ये अगर आप लिख लेंगे ना फिर आपको अंदाजा पता चलेगा कि महाराजा विक्रमाजीत भारत के बादशाह, ठीक है, अपने इल्म, बहादुरी और सखावत के लिए मशहूर था। महाराजा बकमराजीत भारत का बादशाह अपने इल्म, बहादुरी और सखावत के लिए मशहूर था। इसकी निस्बत से हिंदुस्तानी तारीख बाद के दूसरे बहुत से बादशाहों ने विक्रमावती का लकब इख्तियार किया था, ठीक है, विक्रमावती। बहादुर और शुजात बड़ा था, सखी बहुत बादशाह थे, उन्होंने वो भी अपने आप को विक्रमामती कहते थे, विक्रमाजीत से, है ना। बादशाह विक्रम अजीत की औलाद के लोग काहलू कहलाते हैं, और विक्रमाजीत जो है इसका नाम वैसे देखें जो यहाँ पे, अगर आप इसको थोड़ा सा, मैं इसको पहले रेज कर लूँ, आपको कंफ्यूजन ना ना रहे, इसका नाम देखें यहाँ पर जो लिखा हुआ है विक्रमाजीत, ठीक है, विक्रमाजीत, ठीक है, विक्रम अजीत, ये नाम है, मीम और अलिफ को उसने ऐसे करके लिखा हुआ है, ठीक है, ये नाम इसका विक्रम अजीत है, और विक्रम को ये विक्रम भी बोलते हैं, ठीक है, वाह की जगह वाह भी, कुछ इलाकों में जो है वो वाव भी लगा देते हैं बोलते हुए।
तो राजा विक्रम जीत का जमाना पहली सदी कबले मसीह का है, यानी कि ये कबले मसीह का, हमने एक दिन पहले डिस्कस किया था ना कबले मसीह को, कि हजरत ईसा की पैदाइश से पहले का जो जमाना है, पहले के जो साल हैं, वो कबले मसीह कहलाते हैं। ठीक है, तो अब उसमें कहता है कि विक्रमाजीत का जो ये जो है कबले मसीह का था, विक्रमी तकवीम के आगाज का सहरा भी इसी के सर है। इसने विक्रमाजीत ने ना, मैंने एक दिन आपको बता रही थी ना कि एक साल वो हैं जो ईसवी कहलाते हैं, एक यही जो हम अभी पढ़े ईसवी, जो हजरत ईसा की पैदाइश से, क्या ओके ओके okay. ठीक है जी, मैंने लिख लिया है बिकरा जी, तो खैर वैसे ही मैंने लिख दिया, चले शुरू में मैं नाम लिख दिया करूंगी, तो महाराजा बिक्रमाजीत मैं लिख भी देती हूँ यहाँ पे ना। महाराजा बिक्रम अजीत, ठीक है। अब ये जो है, अच्छा ये मैं बता रही थी आपको, विक्रमी तकवीम, ये मैंने आपको लास्ट लाइन बताई है, विक्रमी तकवीम के आगाज का सेहरा भी इसी के साथ। विक्रमी तकवीम क्या है, मैं आपको यही तो बताने लगी थी कि तीन, दो सन हमने एक दफा पढ़े थे, डिस्कस किए थे, तीन बल्कि, ईसवी साल जिसमें हम 2020 में बैठे हुए हैं, कबले मसीह के साल जिसका भी जिक्र हुआ कि ये कबले मसीह का है, तीसरे हमने इस्लामी कैलेंडर पढ़ा था, और एक चौथी चीज जो हम पढ़ेंगे वो है हिंदुस्तानी कैलेंडर, जो विक्रमी के तकमीम कहलाता है। विक्रमा अजीत की ने अपनी जिंदगी से, अपनी बादशाहत से, अपने अहद से उसका आगाज किया था। तो जो हिंदुओं के, जो आप कह लें हिंदुस्तान का, जो जैसे हमारा एक तो ईसवी इंटरनेशनल कैलेंडर चलता ही है, लेकिन जो हमारा मजहबी कैलेंडर है वो इसके हिसाब से चलता है, ठीक है, और इसी तरह उनका भी एक कैलेंडर जो है वो इसके हिसाब से चलता है, विक्रमाजीत से, जो उनका अपना देसी कैलेंडर, आपके लिए एक हमारा देसी भी है, देसी भी हमने एक पढ़ा था, याद आ गया, जो पंजाबी महीनों के नाम हमने पढ़े थे, ठीक है, वो वाला कैलेंडर है, ये वाला विक्रमाजीत वाला, ठीक है। तो वो क्योंकि यहाँ मकामी था हिंदुओं का, हिंदुस्तान का, तो उसको जो है वो पो माघ चेत, नाम भी आपको लगे होंगे ना, वैसे नाम थे जो थोड़े मतलब हिंदी से मुमासल थे, ठीक है, तो वो जो है वो ये वाला कैलेंडर था। तो इसने ये, इसके साथ ये भी सहरा जाता है कि इसने ये विक्रमी तकवीम जो है उसका भी आगाज किया था। अच्छा जी, अब ये हो गया विक्रमाजीत हो गया, ये तो मैंने बता दिया, आप बस इतना याद कर लें कि ये कबले मसीह का बादशाह था, बहुत सखी और इल्म दोस्त, और बहुत ही ज्यादा जो है वो बहादुर था, और लो बाद के बादशाह भी उसके नाम के, उसकी नस्ल के कहलवाना पसंद करते थे, और एक चीज आप लिख लें कि इसने जो है बकरमी तकवीम का आगाज किया था, ये तीन चार चीजें उसके बारे में लिख लें बस। अच्छा जी, अब मैंने जो दूसरी चीज आपको बतानी है वो है संघासन। बत्तीसी, ठीक है, जिसकी वो बात करता है, और तख्ते जो है वो संघासन बत्तीसी, मैंने यहाँ पे बहुत कुछ लिखा हुआ है। जी, सिंहासन बत्तीसी, फरहंगे आसफिया, हमारी एक बहुत बड़ी अहम फरहंग है, लुगत है, या आप नाम भी ये लिखें, सिंहासन के मानी शाही तख्त के हैं,
सिंहासन के मानी शाही तख्त और राजगद्दी के हैं। सिंहासन बत्तीसी एक मजहबी किताब का नाम है। सिंहासन बत्तीसी एक मजहबी किताब का नाम है जिसमें राजा बोझ, ये मैं लिख देती हूँ, जिसमें राजा बोझ और इन 30 तितलियों का जिक्र है। 30, 30, ठीक है, तितलियों का जिक्र है। तितलियां बटरफ्लाइज, अगर मतलब सुनने में आपको लगे भी। 30 तितलियों का जिक्र है जो एक तख्त के साथ जमीन के अंदर से निकली थीं। ठीक है, अब मोहम्मद हुसैन आजाद ने संगासन बत्तीसी को 32 परियों का झुरमट कहा है। ये जो संगासन बत्तीसी है, ये वो कह रहा है कि एक मजहबी किताब है जिसमें राजा बोझ इन तीस तीस एक उस किताब के अंदर एक राजा का जिक्र है जिसका नाम राजा बोझ है, और राजा बोझ जो है वो और उसकी 30 तितलियों का जिक्र है। करामाती किताबें होती है ना ऐसी, होती हैं कि वो राजा बोझ एक मतलब ये इस तरह से, जैसे हमारी भी कहानियां होती हैं, आपने देखा होगा ना कि जिन जो है वो एक कोई बड़ा नेक बंदा, हातम ताई के अमूमन किस्से बड़े मशहूर होते हैं ना, कि वो जा रहा है और रास्ते में उसे कोई जिन आ जाता है, कोई चुड़ैल मिल जाती है और उसको राह से भटकाते हैं और ये करते हैं, तो फिर कोई एक बुजुर्ग सफेद पोश नजर आते हैं सब्ज खरका पहने हुए और वो उसे एक तिलिस्माती अंगूठी दे देते हैं, इस तरह के हैं। तो ये क्या कहानियां होती हैं कि आपको मजहब की तरफ थोड़ा सा, कि आप कभी भी मुश्किल में फंस जाएं और आपको जो मजहब है ना वो वहां से निकालेगा। तो इसी तरह से वो राजा बोझ और 30 तितलियां जो है वो इसी तरह की उनकी अपनी जो उनकी मिथोलॉजी है, जो असातीर है हिंदुओं की, देवी देवताओं की जो असातीर है, उसके हवाले से कहानियां। ठीक है, बहुत ज्यादा भी अगर आप करेंगे तो उसका भी कोई फायदा नहीं ना होता। राजा बोझ क्या है? हिंदुस्तान का एक मशहूर राजा जो एक अच्छा, राजा बोझ का भी थोड़ा सा लिखना तो लिख लें। हिंदुस्तान का एक मशहूर राजा जो एक अच्छा शायर, अदीब और फिलोसोफर था। हाँ जी बिल्कुल, राइटर ने जहां पर वो पति, अब वो एक्चुअली आपको इस तरह आती है जुबान में समझा रहा है ना, अब एक राजा आ रहा है जिसके पत जिस तख्त पे वो बैठा हुआ है उसके ऊपर वो उसको 20 परियां 32 परियों ने बैठाया। अब परियां वो तख्त जो है वो संगासन बत्तीसी, ठीक है, वो किताब को उसने लिया और जो 32 30 तितलियां थी उसको उसने 32 परियों के उससे कर दिया। ठीक है, तो मैं राजा बोझ का बता रही थी कि ये हिंदुस्तान के बहुत बड़ा बहुत अहम बादशाह था, शायर था, अदीब था, फिलोसोफर था। ये कन्नौज, कन्नौज रियासत बड़ी अहम है, आपने अक्सर मूवीज में भी इसका तस्करा सुना होगा, नामी शहर का राजा था। ये पुराना शहर कन्नौज नामी देवी के नाम पर आबाद किया गया था। कहा जाता है कि बोझ, राजा बोझ जो है वो बहुत बहादुर, बुलंद हिम्मत, पंडित और बहुत ही ज्यादा खूबियों का हामिल था। राजा बोझ का जमाना 10वीं और 11वीं सदी माना जाता है। उन्होंने मुतद्दद मुल्कों पर फतह हासिल की, मुख्तलिफ मौजूआत पर मुतद्दद ग्रंथ, ग्रंथ गुरु ग्रंथ नहीं, उनकी मजहबी वेद होते हैं, इनकी मजलिस हमेशा पंडितों से आरास्ता रहती थी। इनकी बीवी जिसका नाम लीलावती था वो अपने जमाने की एक बहुत बड़ी आलिमा थी। मुख्तलिफ अलूम व फनून में राजा बोझ की तख्लीकात जो हैं वो मौजूद हैं। ठीक है, तो ये मैं उसके हवाले से थोड़ा सा जितना आपको ठीक लगे, मैंने मुझे तो है कि मैं आपको बता दूं, जितना आपको ठीक लगे उतना आप पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख लें। सिर्फ इतना भी लिख लें जितना बुकरमाजीत और तख्त सिंहासन बत्तीसी, उसमें राजा बोझ का हल्का सा तस्करा दे दें। परियां इतनी बात कहकर हवा हो गई, हवा हो गई, गायब हो गई, चली गई, कि जब तक सूरज का सोना और चांद की चांदी चमकती है,
सूरज का सोना, सूरज की रोशनी जो होती है वो येलोश होती है, रेड मतलब येलोश है, तो उसने सूरज के उससे उसने सूरज का सोना कहा। सूरज को देखो ना कभी तो आप देख नहीं सकते, आंखें चुभे आ जाती हैं, तो सोना भी ऐसे ही होता है ना कि उसकी चमक जो है वो गोल्डन होती है। और चांद की चांदी चमकती है ना आपको, ना आपका सन हटेगा ना सिक्का मिटेगा, ठीक है, कि ना आपने जो सन बनाया है, सन मैंने अभी बताया ना बिकमी जीत तकमीम जो इसका आगाज किया, ना वो मिटेगा ना सिक्का हटेगा, यानी कि जो आपके नाम का सिक्का चलता है पूरी दुनिया में, कि एक बहुत बड़ा बादशाह था उन्होंने बहुत काम, ये दोनों चीजें रहती दुनिया तक कभी खत्म नहीं हो सकती। ब्राह्मणों और पंडितों ने तस्दीक की, जो वहां ब्राह्मण बैठे हुए थे उनके मजहबी जो रहनुमा है ना ब्राह्मण वो, और जो पंडित वहां बैठे हुए थे उन्होंने तस्दीक की, तायीद की कि हाँ ये परियां ठीक कह रही हैं, और इन्हें ले जाकर एक मसनद पर बिठा दिया गया, इन्हें एक ले जाकर तख्त पर बिठा दिया, यानी कि इन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, इतने बड़े बड़े काम किए हैं कि उनका नाम रहती दुनिया तक कभी भी खत्म नहीं हो सकता, जब भी इंसानी तारीख पढ़ी जाएगी तो इनका नाम इन दो हवालों से आएगा, ठीक है। तो एक तारीख उस बंदे ने शुरू की थी और दूसरे जो है वो उसने जो सखावत, इल्म, दयानती और जो बहादुरी की मिसालें कायम की थी, तो उसकी वजह से वो जिंदगी में कभी भी जो है वो मतलब उसका नाम खत्म नहीं हो सकता इंसानी जिंदगी से। कहते हैं एक राजा आने पर लोगों में कुछ किलो काल हुई, किलो काल हुई बहसो तकरार हुई, बहस करने लग गए ना लोग, कि अपने दो साहिबों को भी साथ ले जाए, कि अपने, और क्योंकि वो चाहता था, अच्छा ठीक है, कि एक राजा के आने पर लोगों के अंदर जो है ये बहस होनी शुरू हो गई, आपस में बहस, क्योंकि जब राजा ही आया बस हाँ अभी तो देखे 4:40 हुए हैं मेरे पास, हाँ वो जरा मैंने स्ट्रीमिंग 10 मिनट पहले शुरू कर दी थी, कहती हैं तो क्योंकि देखे लंबा है ये ना, लेकिन पढ़ेंगे तो खत्म होगा ना, ऐसे कैसे होगा। ऐसा करते हैं ये वाला एक पैराग्राफ पढ़ लेते हैं, ठीक है, जो शुरू किया है, तो फिर उसके बाद बेशक आगे ना भी पढ़ें, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो वो खत्म होगा ना चैप्टर, मुश्किल है। एक राजा के आने पर लोगों में कुछ कीलो काल हुई, बहसो तकरार हुई, क्योंकि वो चाहता था कि अपने दो मुसाहिबों को, जो उसके दो दोस्त थे दरबारी दोस्त जो थे, उनको भी साथ ले जाए, और अराकीने दरबार कहते थे, और जो दरबार के अराकीन थे रुकन थे वो कहते थे कि यहाँ तमकनत और गरूर का गुजर नहीं, तमकनत भी गरूर ही को कहते हैं, कि यहाँ पर जो तुम गरूर के साथ कह रहे हो कि इन दो लोगों को साथ लेके जाना है, तो ये जिस तरह का दरबार है यहाँ पर इसकी जाहो हशमत की जरूरत नहीं है। इतने में वही 32 परियां फिर आईं, चुनाची उनकी सिफारिश से इसे भी ले गए, वो परियां जो थी उनकी सिफारिश के साथ जो था वो उस बादशाह को भी ले गए। जिस वक्त राजा ने मसनद पर कदम रखा, वो राजा जो था जब उसने मसनद पर तख्त पर कदम रखा, एक पंडित आया, एक पंडित और आया, दोनों हाथ उठाकर आशीर्वाद कही, आशीर्वाद कहना जैसे हम दुआए खैर कहते हैं, दूसरी दूसरे को दुआ देते हैं, सलामती की दुआ, सलाम दुआ, तो वो आशीर्वाद देते हैं दूसरे को जो है वो, मतलब एक दुआए बरकत देते हैं, खैरियत की दुआ कहते हैं, और बकाए दवाम का और हमेशा रहने वाली जिंदगी का ताज सर पर रख दिया, कि उसके सर पर ऐसा ताज रख दिया कि उसके ऊपर भी लिखा था कि इस शख्स को भी जिंदगी में हमेशा हमेशी हमेशा की जिंदगी मिलेगी, जिसमें हीरे और पन्ने के 9 दाने सितारों पर आंख मार रहे थे, जिसमें हीरे थे और पन्ने, पन्ना फारसी में इसको कहते हैं ना वर्क को, सफे को, के 9 दाने सितारों पर आंखें मार रहे थे, मालूम हुआ कि वो राजा बोझ थे। मैंने पहले ऊपर ही इसका तस्करा कर दिया है, ठीक है, राजा बोझ का, अब यहाँ पर आप ये जो है वो राजा बोझ का आप लिख लें, मैंने बता दिया था, थोड़ा सा मैं बता दी कि एक मशहूर शायर था, फलसफी था, और कनूज नामी शहर जो था इस पर हुकूमत करता था,
और जो है वो बहुत बहुत बहादुर था, अली हिम्मत था, मुतद्दद मुल्कों को इसने फतह किया था। ठीक है, तो मैंने पहले ही उसके बारे में आपको थोड़ा सा बता दिया, दोबारा आप उसमें लिख लें या लिख लिया तो ठीक है। और 32 परियों का झुरमुट वही किताब संघासन 32 थी जो इनके अहद में तसनीफ हुई। अब वो जो 32 परियों का वही संघासन 32 थी, 32 32 को कहते हैं ना हिंदी में। ठीक है, तो ये वो किताब थी जो राजा बोझ के जमाने में लिखी तो तब गई ना, और उसमें राजा विक्रमाजीत का तस्करा है और वो उसका सारा, लेकिन वो तसनीफ लिखी जो किताब थी वो इसके अहद में, राजा बोझ के अहद में गई थी। ठीक है, तो उसकी वजह से ये हुआ कि कहते हैं इसका इतना ही बड़ा कारनामा है कि इसके अहद, इसने अपने अहद में वो किताब जो है वो इसने तसनीफ करवा दी थी, लिखवा दी थी। और जिसने ताज सर पर रखा वो कालिदास शायर था। मैं कालिदास का भी तारीफ दे देती हूँ, ये मैं पढ़ लूँ। जिसने इनके अहद में 9 किताबें लिखी, लिख कर फसाहत और बलागत को जिंदगी जावेद बख्शती। फसाहत खुश बयानी, आपके अल्फाज, मतलब मैं जो लफ्ज बोलूँ वो कितना अच्छा है, और बलागत कहते हैं कि ऐसा लफ्ज हो जो, ऐसी गुफ्तगू हो जो अगले को फौरन उसके दिल पर असर कर जाए, उसको समझ आ जाए। इसे कहते हैं लफ्ज का फसीह होना। लफ्ज कितना खूबसूरत है, लफ्ज कितना अच्छा है, और दूसरा बलागत के दूसरे को कितनी उस फसीह लफ्ज की समझ आ रही है। ठीक है, तो उसने कहा है कि जिंदगी है जावेद बख्शी के, वो कालीदास जो है उसने ऐसी किताबें लिखी कि 9 किताबें उसके अहद में लिखी थी। कालीदास ने शकुंतला ड्रामा भी लिखा था, वो आपने देखा होगा, ये इंडिया के किसी चैनल पे लगता होता था। अच्छा जी, अब मैं ये मिटा के कालिदास का थोड़ा सा तारुफ दे देती हूँ, और उसके बाद बस पढ़ लिया करो लड़कियों। कालिदास संस्कृत जुबान के शायर थे, शायर भी और मुसन्नफ भी था। कालिदास को संस्कृत जुबान में, कालिदास को संस्कृत जुबान में अंग्रेजी जुबान के शेक्सपियर के साथ तशबीह दी जाती है, यानी कि हिंदी में उसको इतना ज्यादा इतना ज्यादा जो है वो रखा जाता था कि उसका जो है वो कहते थे कि ये जो है ये हमारा शेक्सपियर है। इनकी ज्यादातर तसानीफ, इनकी ज्यादातर तहरीरें जो थी हिंदू फलसफे के मुतालिक हैं। ठीक है, हिंदू फलसफा जो है उसके मुतालिक इनकी, जो हिंदू मिथ है, हिंदू असातीर है, हिंदू मजहब है, उसके हवाले से इनकी ज्यादा तहरीरें हैं। कालिदास की वजह शोहरत इनका मशहूर ड्रामा शकुंतला है, ये तवील मंजूम ड्रामा है और शकुंतला इसका मरकजी किरदार है। और ये ड्रामा क्योंकि राजा बोझ के अहद में जो है वो तहरीर हुआ था, और राजा बोझ ने ही इसको, सारे इन इन लोगों को, इन शायरों को राजा जो थे वो सरपरस्ती किया करते थे ना, तभी वो फारग औकात में बैठ के अपना काम कर सकते थे। वरना अब तो लोग अपना शायर शायरी बाद में करता है ना, वो प्रवीण शाकर का शेर है ना, इश्क ने सीख ही ली अब वक्त की तकसीम, वो मुझे याद तो आता है मगर काम के बाद, कि पहले रोटी खानी है ना, तो जिंदगी गुजारने के लिए पहले चीजें चाहिए, तो वो फिर काम बाद में। लेकिन उस जमाने में ये जो शोरा थे, मीर तक भी, मतलब बहुत सदियों तक ऐसे ही चलता रहा कि जो जमाने के बड़े शायर मुफक्कर फलसफी होते थे, इकबाल को भी इनफैक्ट के वो रियासतें या बादशाह जो थे वो वजायफ दिया करती थी, और वो लोग अपना बैठ कर काम किया करते थे। ठीक है जी, तो ये आज का आप लोगों ने पढ़ा। अच्छा जी, आपने क्या पूछा है? शकुंतला लिख देते हैं, ये बड़ा मशहूर ड्रामा था, काफी दफा ये टेलीकास्ट हुआ है मुख्तलिफ चैनल पर। शकुंतला, और ये काफी दफा जो है ना वो मुख्तलिफ जो इनके है चैनल, ये मजहबी ड्रामा है ना बेसिकली इनका, कि इसमें एक कहानी तो वही मर्द औरत की है, लेकिन उसके अंदर बहुत सारी मजहबी चीजें जो हैं उसकी बहस भी उसने जो है वो की है, तो मजहबी बहस के ऊपर जो है वो इस तरह से ड्रामा है। ठीक है, अभी तो हमने थोड़े से राइटर पढ़े, अभी तो उसने पूरा दरबार जो है वो सजाना है भाई।
अभी तो आप थोड़ा सा पढ़ के तो आप बोर हो जाती हैं, थोड़ी जरा अपनी कैपेसिटी बढ़ाएं अभी, नहीं तो वरना हमारे 15 दिन इसी चैप्टर को लग जाए ना, जिस हिसाब से हम चैप्टर भी बढ़ा थोड़ा सा। जी आपने पूछा है मुफक्कर और फलसफी में क्या फर्क होता है। फलसफी जो है वो फिलोसोफर है, ठीक है, और मुफक्कर जो है उसको कहते हैं कि जो जमाने की फिक्र करता है। बुनियादी तौर पे दोनों में कोई खास फर्क नहीं है, ठीक है, दो नाम है। एक मिनट रुके, मैं आपको ना इसको चले मैं आपको ना इंडिविजुअली, तो इसको जो है ठीक है, तो मैं जैसे कह रही हूँ कि थोड़ा सा हम ना थोड़ा ज्यादा पढ़ेंगे कल, इतना नहीं है, क्योंकि इतने से तो नहीं काम चलेगा ना एक पेज से, तो आपको देखना कितने ज्यादा। और अभी इसमें तो आने, अभी तो वो शुरू हुआ है काम, अभी तो हमने दो सिर्फ राइटर पढ़े हैं उसके, दो शख्सियात, अभी तो उसने पूरा दरबार से जाना है, तो दरबार इतनी आसानी से तो नहीं सजेगा, ठीक है। तेरे फिर कल थोड़ी सी ना हिम्मत करके, और आज वो रोजा भी रखा हुआ है तो ठीक है, आप जाएं इफ्तार का भी करें, और लेकिन ये है कि कल जो है ना वो थोड़ी हिम्मत बना के शरबत वगैरह अपने साथ रखिएगा, रूह अफजा बना के ताकि प्यास लगे तो आप पी सकें उसको, ठीक है। तो फिर इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी, हिम्मत और रोजा, खाना शाना खा के शरबत बना के अपने पास है, जो लोग चाय के शौकीन है वो चाय रख दें अपने पास, ठीक है। फिर कल इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी आपसे 4 बजे। ओके, अल्लाह हाफिज। ठीक है।